वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, होप यू ऑल आर फाइन। करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। ब्लॉग का आगाज करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है। इसी तरह आज हमारा फिर चैलेंज मैच है फास से। फास साहब प्लीज़ कम फॉरवर्ड। भाई साहब इतने डरे हैं, मैं टीम के लड़के इनके नहीं पहुंचे हैं। जो ये मैच जीत जाते हैं वो इनका ब्लॉग डालता है कि भाई चैलेंज मैच जीत गए हैं, और जब लड़के नहीं आते तो भाई रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं कि यार हाथ हो गया, लड़के दे दो, लड़के दे दो। ये तो हमेशा की तरह ही होता है, मेरे प्लेयर्स हैं नहीं, सबसे छुट्टी खड़ी है। प्रिंस साहब को फोन किया वगैरह, मैं नहीं आ रहा। नहीं साहब को फोन किया वगैरह, मैं नहीं आ रहा, बिजी है अगर आपके। और ये बात इन्हीं के बकौल होती है कि खिलाड़ियों का पहले बता दो, इसलिए हर दफ़ा मैं इन्हें अरेंज करके देता था। मैंने एक दफ़ा इन्हें कहा कि भाई अपनी टीम अपने जिम्मे, और पहली दफ़ा इन्होंने अरेंज किया और लड़के। कोई नहीं, होता रहता है, लेकिन जीतेंगे तो हम इंशाल्लाह। आप देख ले अली का है जी चैलेंज, कैप्टन चेंज हो चुका है, हम अली आया है आज का। देखते हैं आज क्या कोई फ्लाता है। तैयार हो भाई? भाई हम तैयार हैं, आपकी टीम तैयार हो? आप तैयार हैं? सारे तैयार हैं भाई। लकी भाई आज अकेले फिर रहे हैं, टीम इनकी बकोल इनके पता नहीं कहाँ पे गायब है, एक भी बंदा नहीं पहुंचा अभी तक। अकेले बेचारे बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई लड़के दे दो, लड़के दे दो। जब मैच जीत जाते हैं वो तो इनका विलोग होता है चैलेंज, और जितने ये हारे वो भाई उनका यही होता है खिलाड़ी दे दो, खिलाड़ी दे दो, खिलाड़ी दे दो। पहली गेंद में बहुत बुरी फील्डिंग का मुजाहरा हुआ है, ये पिटते हुए इनकी टीम बुरे तरीके से। लकी भाई की टीम आई नहीं है, गुस्से में खिलाड़ियों को डांट रहे हैं। सो मैच की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं व्लॉगिंग साथ साथ नहीं कर सकता था। एक तो मैं कैप्टनसी कर रहा था, दूसरा प्लेयर को समझाना, वार्म अप करना, यानी कि उसको अप्रिशिएट, यानी कि और कॉन्फिडेंस देना, कॉन्फिडेंस का बढ़ाना। इस वजह से मैं कैमरा हाथ में नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि मैच बहुत प्रेशर वाला हो चुका था। सो टेंशन ही टेंशन हो गई थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, शुरू में तो विकेट्स गिर गई थी दूसरी टीम की, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि स्कोर 80 प्लस हो गया था। फिर लास्ट ओवर में तकरीबन 25-30 पड़ गया, तो हमें 102 का टारगेट पड़ गया। मैंने बॉलिंग की थी, उमर मकसूद ने अच्छी बॉलिंग की थी, बस गौहर साहब का एक ओवर बहुत अच्छा निकला था, लेकिन दूसरे ओवर में उनको बस कॉन्फिडेंस लूज हो गया, रिदम टूट गया उनका, तो उनको काफ़ी स्कोर 9 बॉल्स काफ़ी कर दी, जिसकी वजह से स्कोर हमारा तकरीबन, हमें टारगेट मिला 102 का टारगेट मिल गया हमें। तो फिर ओपनिंग बैट्समैन मैं आया, ओपनर ना आता स्कोर ज़्यादा था, तो मैं आपको स्कोर भी नहीं बता सकता था उस टाइम। मैंने कहा सोचा आपको अपडेट कर देंगे, सो मैं आपको अपडेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, छोटा सा क्लिप बता दूँ। मैच का मज़ा तो तब आएगा ना जब आप देखेंगे कि कितना स्कोर बनाया। 8 ओवरों में हमें तकरीबन 101 का टारगेट मिला था, सो आगे देखें क्या होता है। हर टीम के हर फैन को बस जीत के दिल को जाना है, जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। जो धड़कनों का साज है, इस जीत का वो राज है, जब जीना है उम्मीदों को आता है जो भी आने दो, आता है जो भी आने दो। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो।
दामाली पे। दामाली को पकड़ा जाए नाज़रीन, दामाली को पकड़ा जाए नाज़रीन, दामाली भाई इस पार्ट ऑफ द गेम हार दे दो। मोबाइल पकड़ी जरा, हाँ इसे जरा ले जरा। एक बार फिर शायद एक बार फिर आपकी आपकी बैटिंग और फायरिंग ने आपको मैच जिताया। हाउ नो वाला को बता, अगर हमारी फायरिंग नहीं जिताएंगे तुम्हारे भी सो गए। आपका ये आपका आउट के बाद ही मैच में था। यार सामने के आंखों से आंखें मिला यार, अबू बकर को दिखाया जाए, अबू बकर को दिखाया जाए। भाई मैच फंसा हुआ था, फंसा हुआ था पूरा मैच में। बंदर का कैमरा देखने वाला भाई इज्जत है क्या? दो छक्के वाला किधर है? अच्छी शॉट खेली भाई, दो छक्के मारे अच्छा प्लेयर है, लंबे उसके जीत गए। जाहिद भाई देख के बड़ा हंसी, यानी के हम जीते हैं सिर्फ गोर भाई की वजह से। हमारी टीम में होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी बड़ा मजा आया था तो इधर बोलो इधर क्या कहना, दो छक्के पड़े हैं बड़े वी आई पी, चलो एक टीम के बराबर है। ओए ट्रैक्टर कहाँ है तेरा? और ट्रैक्टर कहाँ है? वो बेच के बैट ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज फिर चैलेंज मैच जीत लिया है। हम मेरा बेसिकली चैलेंज मेरा रौफ फहद से था, लेकिन उसामा अली बीच में आ रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपको हरा दूंगा। सो आज उन्होंने चैलेंज किया। अफसोस उसामा अली, बड़ा अफसोस हो रहा है यार, बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि मूवमेंट ऐसी आ गई थी कि मैं मैच हाथ से निकल गया था, लेकिन फिर हमारे पास है ना शाहिद भाई, हमारे पास है ना उमर मकसूद, हमारे पास है गोर गोर, और हमारे पास हैं ऐसे प्लेयर्स के मैच को ले के चल सकते हैं। तो आज हमारा मैन ऑफ द मैच प्लेयर है राव शाहिद साहब। शाहिद साहब सलूट है आपको, लास्ट टाइम भी आपने जितवाया था और आज भी आपने जितवाया। जाहिद भाई की कमी आपने आज पूरी करके दिखा दी है। वाह यार शाहिद भाई कमाल कर दिया। ऊपर से लोग क्रेडिट कर रहे थे कि अंपायरिंग आपने बहुत अच्छी की, अंपायर मैं खड़ा हो गया था क्योंकि मैं आउट हो गया था जल्दी, तो फिर अंपायरिंग आपके भाई ने की, सब ने कहा अंपायरिंग बहुत अच्छी की आपने, तो क्रेडिट जाता है। सो आप सबका बहुत थैंक्स। सो अब देखते हैं कब मैच होता है कब नहीं होता, चैलेंज मैच वगैरह जो भी करेगा चैलेंज, आपको पता रिपोर्ट यही आती है कि हम जीतते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो हम जीत रहे हैं। आगे वैसे सही बात है, उसामा अली कह रहा था कि ये गेम का हिस्सा होता है कि हार जीत, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खेला, हमने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल लिया जिसकी वजह से हम जीत गए। उसामा अली बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। रौफ फहद आपके लिए भी यही है, कैप्टनसी करें कोई अच्छी तो करें यार, उसामा ने की रौफ फहद ने की, सब वैसा ही वैसा है। तो आप मेरे पास आएँ, मेरे से कुछ गट्स वगैरह लें, तो आपको मैं बताता हूँ कि एक मैच कैसे जीतते हैं, शाहिद भाई से सीखें कैसे टीम को लेके चलना है। मैं कह रहा था शाहिद भाई को, मैं बार बार जाके यही समझा रहा था, उमर मकसूद को यही समझा रहा था कि यार बस आउट नहीं होना तुमने, हम मैच जीत जाएंगे। स्कोर खुद ब खुद आ रहा है, वाइड कर रहे थे बॉलर्स उसके ओपोजिशन के, फील्डिंग मिसिंग हो रही थी, तो जिसकी वजह से हम खुद ही मैच हमारे हाथ में उन्होंने यूँ थाली करके दे दी। छेक बाउंड्रीज इतनी नहीं मारी हमने, हमें ओपोजिशन ने ये उन्होंने कहा प्लेट में रख के दी है बिरयानी, बहुत वीआईपी बिरयानी थी जो हमें उन्होंने प्लेट में रख के खुद ही दे दी और हम मैच जीत गए। शाहिद भाई मैन ऑफ द मैच।
सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। सो इंतज़ार रहेगा, नेक्स्ट व्लॉग हमारा और शानदार होने वाला, आपके लिए एक सरप्राइज़ लाएंगे मैं, फहद और प्रिंस हमजा शफीक। सो देखना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जकी स्वीट्स को दीजिए इजाज़त। और आपसे एक ज़रूरी काम, आपका मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब दोस्त जितने भी हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।